जैन दोस्तों, ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन टू तक पहुंच गया है। इम्प्लीमेंट के लिए जद्दोजहद चल रही है, मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कितना मिलेगी, कैसे मिलेगी ओआरओपी वन से। लेकिन एक चीज अभी तक डिसाइड नहीं हुई कि इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, यानी किसको मूल आधार मान करके पे का संशोधन किया जाए, ये आज भी बहस का सवाल है। और ये बहस शुरू हुई थी 2014 से और आज है 2022, यानी ओआरओपी 1 जो इंप्लीमेंट होना था वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर के सेक्रेटरी ने लेटर लिख के पूछा था कि 2 दिसंबर 2004 ने कहा है सेक्रेटरी DSW इन ए लेटर एट 2/12/14 गेव ऑफिशियल डेफिनेशन हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट ए डिफरेंट डेफिनेशन ऑन 7 नवंबर 2015 विच इज नॉट ओआरओपी। यानी जो हमने पूछा, हमने बताया कि 2 दिसंबर 2014 को मैंने बताया गवर्नमेंट इंडिया की ये है भाई इसकी डेफिनेशन वन रैंक वन पेंशन की, लेकिन इन्होंने 7 नवंबर 2015 को जो हमें बताया वो डेफिनेशन नहीं है। आज इसकी बैच छिड़ गई है, इन्होंने ये कहा है, आप समझ सकते हो एक्सेप्शन मूवमेंट ने हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पूछा है क्या आप इसको आधार मान करके पे संशोधन क्यों नहीं कर रहे, जिसमें लिखा है ओआरओपी का इन्होंने डेफिनेशन दिया है यानी वन रैंक वन पेंशन, यदि वो नाइक है, दूसरा भी नाइक है और रैंक सेम है और लेंथ ऑफ सर्विस इसकी भी 20 साल है, इसकी भी 20 साल है, सारी चीजें सेम है तो उसका जो पे है वो सेम होना चाहिए। हो सकता है नायक है कोई 15 साल, कोई 22 साल, 17 साल है, यानी लेंथ वन रैंक है और लेंथ ऑफ सर्विस है तो पे या जिसकी पेंशन है वो सेम होने चाहिए। ये आधार और ये एग्जांपल जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिया बताया कि इस हिसाब से करिए, लेकिन आज तक बड़ी विडंबना है कि आप देखिए इतनी डिस्पेरिटीज है पेमेंट में। एक दिन के लोग भर्ती हैं, आज मैं भर्ती हुआ हूं, मैंने 20 साल सर्विस किया है, मेरी तनख्वाह कम है जो कि मेरे से 6 महीने बाद भर्ती हुआ, क्योंकि वो पहले अटेस्टेशन हो गया, उसका ट्रेड कुछ और था, उसकी ट्रेनिंग थी मान लो 10 वीक की, हमारी ट्रेनिंग थी 20 वीक की, लेकिन हम बाद में अटेस्टेड हुए, वो हमसे एक इंक्रीमेंट लेकर के और हमसे पहले भी फौज छोड़ता है, पे ज्यादा है। बराबर के दोनों लोग हैं, एक यूनिट में एक पल्टन में कर रहे हैं, उनमें भी पेमेंट का बहुत अंतर है। आजकल देखिए पेंशन, अभी जो 2017 में जो जेसीओ से ऊपर लोग आ रहे हैं उनकी पेंशन कम है, बसरते जो 2014-15 में आए थे उनकी पेंशन, कुछ एनसीओ से हैं जो 2003-04 में आए थे वो कम ले रहे हैं और 14-15 वाले उससे ज्यादा ले रहे हैं और 16-17 वाले भी थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। मतलब कहीं भी ये सारा चीज चला रहा है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन का जो बेस है वो इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। आज ये फिर ये लड़ाई छिड़ चुकी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये फिर चिट्ठी भेजी गई कि इसको आधार मान करके आप इसके ऊपर संशोधन की प्रक्रिया शुरू करिए। देखते हैं, आप ये ट्विटर पे इस लेटर को पढ़िए और अपने कमेंट्स करिए। धन्यवाद।